हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हुनर हॉबी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रोशे से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। फ्रेंड्स, इसको हम जो है पीसेस में बनाएंगे और उसके बाद पीसेस को हम जो है ज्वाइंट करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, पहले मैं सबसे पहले इसको गोल बनाऊँगी और ये गोल पीसेस में बनाऊँगी। देखिए, ये गोल सर्कल मैंने बनाया है। अब इसके बाद इस गोल सर्कल में से मैं 24 यानी 24 डबल क्रोशिया मैं बनाऊंगी। मैं ये देखिए, मैंने 24 बना चुके हैं यानी 24 ये मेरे बन चुके हैं। अब यहाँ पर जिसको मैं देख, कोई भी धागा मैंने इसमें नहीं लपेटा है, डायरेक्ट जो है इसको यहाँ डाल के देखिए, यहाँ कुछ नहीं लपेटूंगी, डायरेक्ट इसको निकाल के देखिए बंद कर दूंगी एक चेन। उसके बाद जो है नेक्स्ट सर्कल में इसी जगह से यहाँ से ही मैं एक और चेन निकाल दूंगी, ये देखिए, और फिर दो चेन दो छोड़ के फिर एक तीन की चेन बनाऊंगी और फिर दो डबल क्रोशिया छोड़ के दो तीन, फिर डबल क्रोशिया दो छोड़ेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह करके इस लाइन को भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये भी कंप्लीट हो चुका है, तीन क्रोशिया मैंने लिया और अब यहाँ पर इसको भी बंद कर देते हैं। देखिए, ये 12 जाली मेरी बन चुकी है। अब इनमें से फिर से हम जो है हर जाली में से चार चार निकालेंगे। देखिए, चार हो चुके हैं, सब में से चार चार ऐसे ही निकालेंगे, बीच में कोई चेन नहीं देनी। चेन नहीं है, ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब इसको यहाँ पे फिर से बंद, ये देखिए, ये सर्कल भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहीं से एक डबल क्रोशिया, तीन चेन, अब दो छोड़ेंगे हम, दो छोड़ के फिर एक डबल क्रोशिया, तीन चेन, फिर दो छोड़ के डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन। देखिए, फिर से ये दो छोड़ने हैं, एक और ये दो, इसी तरह से हमें जो है तीन राउंड कंप्लीट करने हैं। देखिए, मेरे तीन राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, इसको भी यहाँ पे बंद कर देते हैं। तीन राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए, अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक में से ही एक चेन में से चार निकालूंगी, चार डबल क्रोशिया। चार, अब दो चेन, चार,
थ्री राउंड पे कंप्लीट करेंगे, पूरे में ऐसे ही चलता जाएगा। और ये इस पीस का मेरा ये राउंड भी खत्म। अब मेरा जो है आखिरी राउंड यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ देखिए चार है एक में, हम दो के बीच में से हम निकाल लेंगे, एक दो तीन और दो चेन से, यहीं से तीन, एक दो और ये तीन। देखिए ये हो गया। अब जो ये यहाँ पर हम दो चेन ली थी इसमें से निकालेंगे, चार में से इसी तरह से तीन दो और ये फिर से तीन। देखिए इस तरह से इसको आखिरी राउंड भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी, डायरेक्ट यहाँ पे निकालना है इसको। देखिए फ्रेंड्स मेरा ये बनकर ये पीस तैयार हो चुका है। और इस तरह के मैंने काफ़ी सारे पीस ये देखिए बना लिए। मैं इसको डबल कलर में बनाऊंगी कि मैंने बहुत सारे पीस बना के रख लिए। अब मैं एक और पीस बनाऊंगी, छोटे पीसेस। देखिए इस टाइप का छोटा पीस मैं बनाऊंगी, मैं आपको बना के दिखाती हूँ, उसके बाद फिर मैं उनको जोड़ के दिखाऊंगी। जैसे पहले मैंने बनाया था इसी तरह से, आप चाहे तो चेन बना के बना सकते हैं लेकिन मुझे ये आसान लगता है इसलिए मैं इसी तरह से बनाती हूँ। इस बार जो है मैं इसमें पहले वाले में 24 बनाए थे, इसमें मैं 32 बनाऊंगी। मैं आपको बना के इसमें दिखाती हूँ। देखिए मैंने 32 करके इस सर्कल को बंद कर दिया है। अब नेक्स्ट राउंड एक चेन बना के यहाँ से एक चेन डबल क्रोशिया बनाया और तीन चेन। अब उसके बाद दो छोड़ के डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन, फिर दो छोड़ के फिर इसी तरह इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए ये सर्कल कंप्लीट। नेक्स्ट तीन निकालेंगे डबल क्रोशिया, तीन एक दो डबल चेन, फिर तीन देखिए अब इसमें कोई चेन नहीं है और डायरेक्ट ऐसे, फिर इसमें तीन एक दो, फिर तीन एक दो और ये तीन। देखिए ऐसे ही पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे और ये लास्ट सर्कल होगा इसमें।
देखिए ये सर्कल भी कंप्लीट हो गया है और उसके साथ ही ये पीस भी कंप्लीट हो गया है। और अब हम जो है इनको जोड़ के दिखाऊंगी मैं आपको सारे पीसेस को। देखिए एक बड़ा पीस मैंने लिया है और ये छोटे वाला पीस जो मैंने बनाया था इसको मैंने लिया है। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए ये सीधा है इस तरह, ये इधर से सीधा है इधर से उल्टा है, ऐसे हम लेंगे इसको उल्टा उल्टा पीसेस जैसे मिलाते हैं इस तरह से। और ये देखिए ये जो हमने छः के बीच में दो का वो लिया था गैप, इसको हम लेंगे यहाँ से ऐसे करके। ये देखिए बिल्कुल ऐसे, कोई फंदा नहीं निकालोगे यहाँ से, तो ऐसे एक बन गया है। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये देखिए छोटे वाला जो है इसके ऊपर जो चेन जा रही है ये वाली चेन, इसमें से हमें जो है निकालना है ऐसे। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे, ये हर चेन में से आप निकाल सकते हैं, चेन के ऊपर से आप इसको निकालिएगा। ये देखिए, देखिए मैंने चेन के ऊपर से निकाला है और पता भी नहीं चल रहा है ये कि कहाँ से निकाला हुआ है। ये देखिए इसी तरह से हमें नेक्स्ट ये जो जाली है यहाँ तक हमें लेके आना है, ये जो जाली है इसमें से निकालेंगे और इसमें से भी जो दूसरे वाली हमारी है इसमें से निकालेंगे। ये देखिए फिर ये जोड़ दिया, सेम ऐसे ही चेन के अंदर से हम निकालते जाएंगे। ये निकालते हुए हमें वहीं तक लेके आना है जहाँ पे हमारा नेक्स्ट ज्वाइंट आएगा। ये देखिए अब यहाँ पर हमारा ये नेक्स्ट जुड़ेगा, इसमें जो है फिर नेक्स्ट अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जोड़ा मेरा ये आएगा, इसको भी ऐसे ही जोड़ेंगे जैसे इसको जोड़ा है। तो जोड़ दिया सेम ऐसे ही, कहीं से भी जाली उठाइए, एक जाली उठाई इधर से मेरा, ये देखिए ये हो गया। फिर चेन के अंदर से एक दो तीन चेन में भी दो जुड़ गए हैं। अब एक दो तीन चार पांच छः, देखिए अब नेक्स्ट पीस जुड़ेगा। मैंने डबल कलर में बनाया है, ये छोटे वाले के साथ ही नेक्स्ट पीस हम जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये जोड़ गया, फिर से सेम यही प्रोसेस चलेगा चेन के अंदर से निकालने वाले।
नेक्स्ट इधर से ये जो मेरी टूटती हुई जा रही है इसके साथ एक और जुड़ जाएगा। उसके बाद मैं सारा जोड़ के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जुड़कर तैयार हो चुका है। आप इसमें जितनी भी टुकड़ी मर्जी जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो, और जितना मर्जी बड़ा इसको बनाना चाहो बना सकते हो। ये बहुत ही आसान है। मैंने डबल कलर का बनाया है, आप सिंगल कलर में भी इसको बना सकते हो। ये थैंक यू फ्रेंड्स।